Assalamualaikum friends, welcome to Artisalina YouTube channel, and in today's video we will learn how to make an amazing achievement tree on wall. And the materials we are going to use is 2 chart papers and some mud bond. But उससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे. So without any further delay, let's begin. सो गाइज़ ये मेरे दादाबू का वर्किंग एरिया है जहाँ वो अपना काम करते हैं. एंड गाइज़ मेरे दादाबू की लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं एंड उनके बेस्ट अवार्ड्स के फ्रेम्स भी मेरे पास थे. सो आई थॉट कि उनके अप्रिसिएशन के लिए मुझे अचीवमेंट वॉल डेकोर करना चाहिए. आई नो ये बहुत ही सुपर आइडिया है और आप भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक अचीवमेंट वॉल डेकोर कर सकते हो. इससे उनका अप्रिसिएशन भी मिलेगी और आपके घर के जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी क्यूरियोसिटी होगी कि वो अचीवमेंट वॉल का हिस्सा बने. सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ट्री को कट कर रही हूँ. ट्री को कट करना सबसे इजी होता है क्योंकि इसको कैसे भी कट करो चलता है, बस कहीं से थिक और कहीं से थिन रखना होता है. सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ट्री को कट करके पेस्ट कर लिया है और अब फ्रेम्स के साथ साइजेस मार्क कर रही हूँ. ये सबसे इजी वे है कि आप अपने फ्रेम्स की प्लेसिंग को फाइनल कर लें, देन बाकी के हिस्से को डेकोर कर लें. तो गाइस फ्रेम की पेस्टिंग के लिए मैंने डबल टेप यूज़ की है एंड इसी के साथ मैंने लास्ट फ्रेम भी पेस्ट कर लिया है. सो फ्रेंड्स ये है हमारे आज के DIY की फाइनल लुक. स्ट्रीट लाइट मैंने जो पेस्ट की है इसका DIY मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.